एक गाजर वो 6 दफे बेच लेंगे और फिर भी गाजर उनकी जेब में। बताओ, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां, फिर लौटे उस गांव। 1952 के पहले चुनाव में ही नारा लग गया। तब से आज तक कितने चुनाव हो गए, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी आज तक नहीं मिला। आप दूध में जामन डाल दोगे और जब भाजपा दही जमा देगी तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अरे इसने दही कैसे जमा दिया, ये जामन डालने से पहले नहीं सोचना चाहिए था कि दही जमा देंगे भाजपा। ऐसा नेता कहां से लाऊं दलितों का सृष्टि, जो बड़ा हो जाए फिर भी दलित के बर्तन में ही खाना खाए। भर्ती पर कभी क्यों नहीं दिखाते, उसके लिए भी कोई कानून बना दो कि भर्ती नहीं रुकेगी, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ हो जाए, आग लगे भर्ती पर होगी जैसे चुनाव में है। और एक बात और कह दूं, ये भर्तियां किसकी थी, ये बड़े पदों की भर्तियां नहीं थी, ये रेलवे के बहुत छोटे मामूली पदों के लिए भर्तियां थी जिनमें गरीब का बेटा बैठ रहा था। 1980 का भी भारत नहीं है कि जो नेताजी ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य, ब्याह के टाइम तो पांव छू लो, ब्याह के बाद तो सिर ही पूजोगे, फिर कहां पांव छूओगे, कहा जाता है ना हमारे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नाहिद लारी खान, अच्छा आप लोग भी गजब हो, आपकी पार्टी भी नहीं। मुझे एक शेर याद आता है, शेर ही कहो या क्या कहें उसको, कि अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां, फिर लौटे उस गांव। आप लोग जिस चीज से कई बार चोटिल हो चुके होते हो, क्या मानते नहीं, चलाते फिर वही गाड़ी हो जिससे कई बार चोटिल हो चुके होते हो, क्या मल्लावा में जागृत हुआ जिन्ना, अभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था क्या, आप बताइए, ये इतना ज्ञान विदेश नीति पर देने की जरूरत क्या, जब चुनाव हो रहा खिमसेपुर, गंज डुंडवारा, कैराना और शामली में, कोई ये यूनाइटेड नेशंस का चुनाव हो रहा है क्या, इतना ज्ञान देने की जरूरत क्या है आप लोगों को कि चीन और पाकिस्तान और जापान और हांगकांग नहीं, अब फिर पाकिस्तान आ गया, अब इस्लामाबाद में नहीं है पाकिस्तान, अब लखनऊ आ गया, अब 7 मार्च तक उसको यहां झेले नाहिद लारी। माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो ये अपनी बात कहना चाहती हूँ कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने चीन की बात कही, तो चीन की बात जो कही वो किस बेसिस पे कही, वो तो ये कह रहे थे, मैं तो स्पष्ट लग रहा भैया, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ये पूछ रहा, कहने के डॉक्टर ने बताया था कि चीन नहीं बोलोगे तो कोई मतलब एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा बोला है? अरे अग्निहोत्री जी, माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो आपसे जब बात करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आप तो एक सूरज है और मैं सूरज की रोशनी कहाँ तक दिखा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि अपनी बातों से थोड़ा बहुत आपको अपनी अपना पक्ष रख सकूँ आपके समक्ष। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बात कही, वो जो देश के सबसे पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी बात को केवल दोहराया, अभी अभी उनकी मृत्यु 25-20 दिन पहले जनरल बिपिन रावत जी ने 13 नवंबर 2021 को बयान किया था कि चाइना इंडिया के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये तो जनरल बिपिन रावत जी ने कहा, उन्हीं की बातों को माननीय अखिलेश यादव जी ने दोहराया। अब हम जैसे नौजवान गांधी जी के अनुयायी है, हम जैसे नौजवान जो है जनरल बिपिन रावत जी की बात जो सीडीएस है उनकी बात मानेंगे कि ये राजनीतिक कुत्तों की बात मानेंगे, हम तो जनरल बिपिन रावत जी की बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे जो ज्ञानी है। अब आप ये समझे कि जो बापू जी के बापू के जो हत्यारे हैं और जिन्ना और गोडसे की जो औलादे हैं और जिन्होंने जिन्ना के साथ बंगाल में सरकार बनाई, अभी ये और 42 दिन और जो है जिन्ना गोडसे और पाकिस्तान का जाप करेंगे और 46वें दिन जो है भाजपा का जो उत्तर प्रदेश में डब्बा खोल हो जाएगा और जो नेता इनके जो चीन के बॉर्डर से आए हैं वो चीन के बॉर्डर भाग जाएंगे और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से नेता है गुजरात वो वहां वापस भाग जाएंगे और जो इनके बचे कुछ उत्तर प्रदेश के नेता कार्यकर्ता है उनसे कहेंगे कि भैया बेहतर हो जेल में जाकर। नाहिद लारी, एक मिनट, एक मिनट सुनो, एक एक जो
आज संबित पात्रा ने एक विज्ञापन की एक पैरोडी कही, बड़ा लोकप्रिय विज्ञापन है, एक वो कुकर का विज्ञापन है ना, तो उसी को उन्होंने दोहराया, मतलब उसकी पैरोडी प्रस्तुत की कि जो जिन्ना से करें प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। माननीय अग्निहोत्री जी, एक पैरोडी मैं भी आपको सुना देती हूँ, अभी मैंने बना दी। नहीं बिल्कुल सुना दो, हाँ हाँ, मन में मत रखो जी। नहीं नहीं मैं भी पैरोडी सुना देती हूँ बीजेपी के लिए। चिन्मयानंद सेंगर हमारे हैं प्यारे, चिन्मयानंद सेंगर हमारे हैं प्यारे, राम राम जी तो हमारे केवल है चुनावी नारे, ये हमने बीजेपी के लिए पैरोडी बना दी। अरे आप इनका स्थिति देखिए अग्निहोत्री जी, इनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि आज का लेटेस्ट सुनिए, शामली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेकों स्थानों में पिछड़े दलितों ब्राह्मणों वैश्य समाज आदि अन्य समाज के लोगों ने गांव के बाहर और अपने मकान के बाहर बड़ा बड़ा लिख दिया है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता हमारे घरों में हमारे गाँव में ना आए, केवल आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता आए। तो ये इनकी स्थिति हो गया, और घर के बाहर जो महिलाएं नौजवान बुजुर्ग जो लग लेकर बैठे हुए। ठीक, नाइन लाइन, एक मिनट, अवनीश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलसी है बीजेपी के, अवनीश पटेल का बहुत स्वागत है। ठीक है नाइन, मैं अवनीश पटेल के पास आऊं, उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास चलूंगा। एक मेरे मन में एक बात आई, प्रेम कुमार जी जो बात नाहिद कह रही थी ना अभी, ये बात राजनीति में नहीं चलती कि हमने तो उनका कहा दोहराया ना। देश के इतने बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहते कहते उनकी वोकल कॉर्ड सूझ गई क्या, बोलते बोलते बुखार आ गया कि दादा मेरे, मैंने तो जो लिखा है जिन्ना की विजिटर समाधि पर विजिटर बुक में, वो वही लिखा जो जिन्ना बोले थे, भाषण दिया था मैंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन कोई माना, प्रेम कुमार जी माना कोई नहीं ना, उनसे इस्तीफा ले लिया, उनको रिक्शे में बैठा घर भेज दिया, बोले जाओ भाई अब तुम्हारा जीवन खत्म राजनीति। गलत तो नहीं कहा प्रेम कुमार जी? बिल्कुल गलत। राजनेता क्यों नहीं समझते इस बात को? देखिए अमिताभ जी जी, आप जिन्ना या पाकिस्तान, हम तो एक बार या दो बार सुनते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, लेकिन आप देखिए ना, आपने संबित पात्रा जी का जो एक सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो कितनी बार ले रहे थे नाम, जितनी बार विपक्ष नहीं लेता है उससे ज्यादा तो सत्ता पक्ष लेता है जिन्ना और पाकिस्तान का नाम जी। देखिए दिल्ली का चुनाव हो रहा था, उस समय अमित शाह जी ने कहा था कि वोट डालो दिल्ली में, करंट लगेगा पाकिस्तान में, लिया था ना, ये भी तो सच्चाई है। अब है कि दुश्मन नंबर एक, ये जो ताजा बयान है, आप बताइए ये संघ भारतीय जनता पार्टी आज के नहीं जमाने से कहते रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर वन है, कम्युनिस्टों को चिढ़ाने के लिए कहते थे, कम्युनिस्ट भी इनसे इस बात पे लड़ते थे, नहीं अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर वन, ये बहस बहुत पुरानी थी। लेकिन वही बात जो बीजेपी और संघ के लोग कहते रहे थे कि दुश्मन नंबर वन हमारा अमेरिका है, याद कीजिए 1998 में हम लोगों ने पोखरण किया था, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने उस समय भी बयान दिया था हमारा दुश्मन नंबर वन चाइना है, और वही बात मुलायम सिंह जी ने भी कहा, आपने दिखाया पैकेज में राम मनोहर लोहिया जी का भी की भी वही सोच रही, तो पूरे देश की यही सोच है क्या बीजेपी क्या कांग्रेस? ठीक ठीक ठीक, आप दूध में जामन डाल दोगे और जब भाजपा दही जमा देगी तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अरे उसने दही कैसे जमा दिया, ये जामन डालने से पहले नहीं सोचना चाहिए था कि दही जमा देंगे भाजपा? राजनीतिक दल हैं, उनको भी अपने ढंग से चुनाव लड़ने का अधिकार हासिल है ताकि सर्वोच्च सर्वाधिक लाभ मिले, इसमें गरीब छूट जाता है। अतीत पर चुनाव, एक बहुत गंभीर बात कहूंगा अविनीश पटेल जी, नाहिद लारी, अतीत पर चुनाव प्रेम कुमार जी सबसे सरल होता है, भविष्य पर चुनाव भी सरल होता है, क्योंकि भविष्य आज तो चेक नहीं कर सकते, वर्तमान पर चुनाव सबसे कठिन होता है। इसीलिए आप राजनीतिक दलों को देखिए,
वो जवाहरलाल नेहरू पर वोट मांगते मिलेंगे, वो लोहिया पर वोट मांगते मिलेंगे, वो दीनदयाल पर वोट मांगते मिलेंगे। अयोध्या में 89 में क्या हुआ वो मसला आएगा, औरंगजेब जब आया तब उसने क्या किया वो मसला आएगा। ऐसे हर पार्टी का अपनी अपनी लीला है, क्योंकि वर्तमान में जब आप चुनाव को रखते हैं आवाम का लाभ तभी है जब चुनाव वर्तमान में रहे। किस गरीब के घर में थाली में रोटी नहीं रही ये मसला बने। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश का सोशल कंपोजिशन इस बात की अनुमति नहीं देता कि बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बना ले यादव और मुस्लिम वोट से, संभव ही नहीं। लिख लीजिएगा सब लोग अपने अपने नोटपैड पर, संभव ही नहीं, ठीक ना। इसलिए ये कहना ठीक है, कहीं कापी किताब में लिख दीजिए फेसबुक ट्विटर पर, वहां तो सब चल जाएगा, लेकिन मेरे सामने कम से कम मत कहिए ना। सारे यादव मुस्लिम एक साथ जोड़ दीजिए, सारे गुणा गणित करके 403 सीट पर कर दीजिए, 225 सीट नहीं हो सकती किसी सूरत में, चाहे उल्टे खड़े हो जाओ। इसलिए फिर ये केवल कह रहे ठीक नहीं, नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी जब सरकार आई, पता नहीं भाजपा उसको कैसे एनालाइज करती है, करती ही होगी अच्छे से, तो वो सिर्फ इसलिए आई कि आपका जो बेस वोट था उसको आपने रिटेन किया। कल्याण सिंह का इमरजेंस हुआ, कल्याण सिंह ने नॉन यादव ओबीसी में से 3-4 प्रमुख जातियों को एक साथ खड़ा किया, एक रेनबो क्रिएट किया और 9% वोट एडिशनल जोड़ दिया, दैट्स ऑल, सरकार बन गई। इतने तो करिश्मा है मित्र, ये मसला है। मनोज यादव, आपकी पार्टी ने भी तय कर लिया कि सारे घर के बदल डालूंगा, क्या जितने ये बिल्ला हमारे ऊपर टोपी पे लगाए गए पहले तो ये उतार दो, क्या परिवारवाद बोले परिवार हटाओ, क्या पूरे परिवार में एक टिकट दो, झंझटी खत्म, क्या झंझट खत्म, क्या अब कोई नहीं कह सकता परिवारवाद। भाई जब शिवपाल चाचा के लड़के को भी नहीं दी अभी टिकट दोबारा, तो कहां रहा परिवारवाद, क्या एक दूसरा कहा जाता था यादवों की पार्टी जो अभी संजय भाई कह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने इस बार मुझे लग रहा है यह भी कोशिश की कि यादवों से कहा कि भाई थोड़ा ठंड रखो, क्या और मौर्य जी से कहा आप आगे आओ, है दारा सिंह कहां है उनको भी लाओ, सैनी जी आप मंच पे आओ, समझ रहे ना मेरी बात मनोज भाई। ये सामाजिक बदलाव राजनीति की जरूरत है, ये बात मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को समझ में आ गई। बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गई और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन सारे कीलकांटों को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया और लगभग लगभग हम उस सारे पहलुओं पे काम अमिताभ जी कर भी चुके हैं। समझ में इसलिए आ गई कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा महामाया जाल फैलाया गया और ये बताया गया और ये समझाया गया कि पिछड़ों तुम्हारा हक एक जाति के लोग ले रहे हैं पिछड़ों का, और अगर मायावती जी की सरकार रही तो दलितों तुम्हारा एक जो हक है वो सारा एक जाति के लोग जाटों ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और 3 दशकों से राजनीति में प्रासंगिक हैं उत्तर प्रदेश में और देश की भी राजनीति में अपनी दखल रखते हैं, तो हम कोई काम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं कि बीजेपी को पूरी तरीके से एक स्पेस दे। अमिताभ जी याद दिलाना चाहूंगा जब 2017 का चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे तब वो टॉक कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट अपने किए गए कामों पे। हमें नहीं मालूम था कि बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत का बांटने का जो जहर है इस कदर गोला कि हमारा काम पीछे रह गया और बीजेपी की जो नफरत वाली राजनीति वो बहुत आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी ने अपने सारे सिस्टम को मजबूत इसीलिए किया है कि अब आप जवाब दीजिए कौन सा आरोप आप लगाओगे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई पिछड़ों को लेकर बात ही नहीं रह गई, और बात क्या रह गई कि इनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपराधी हैं, मेरे अपराधी ज्यादा कि तेरे अपराधी ज्यादा, इस पे भी बहस होनी चाहिए। जो भी आरोप लगाओ जिस तरह के दोबारा आपके मैच खेलना चाहोगे, मैं सृष्टि के पास चलूं, सृष्टि से भी कमेंट लूं, देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्रतिनिधि हैं और इस पैनल में एकमात्र महिला है,
एक बात मैं कहूंगा, इस बात को संजय चौधरी की पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। इस बदलाव को देखिए, मैंने मुलायम सिंह जी की राजनीति का उद्भव देखा, कल्याण सिंह जी की राजनीति का उद्भव देखा, उस समय से बता रहा हूं। ये मैं पहली बार समाजवादी पार्टी में देख रहा हूं। संजय चौधरी मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, है ना, कि फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव महान दल का कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, संडीला में राजभर का कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। ये विस्तार है अपने किस्म का एक, जबकि फर्रुखाबाद यादवों का हार्टलैंड है, पांव पांव से फई हो जा चले जा सकते हो वहां से। लेकिन ये परिवर्तन किया है, और ये परिवर्तन ना 72 पिछड़ा समाज जो है उसका मसला बनेगा। मैं आएंगे आपके पास, आप सृष्टि कश्यप भाई, मैंने आज जब आरपीएन सिंह का मसला आया है तो मेरे जहन में दो बातें आई। उनकी जो जाति है उसका तो प्रचार है ही, इस वक्त वही बिक रही है। आरपीएन सिंह से ज्यादा कीमती वो हो जाति है जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं, आरपीएन सिंह इस वक्त। लेकिन ये कांग्रेस से मेरा एक सवाल, आप ऐसे परिस्थितियों में चीजों को समझ नहीं पाते कि जिसको कल जाना हो उसको आज चिट्ठी दे देते हो क्या? मतलब डबल मजाक बने, ताकि एक दूसरा मैं ये नहीं समझ पा रहा, जिसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा को मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में, ठीक, आरपीएन के आने से, और स्वामी मौर्या के लिए संकट पैदा हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि जब आरपीएन 32 साल आपके पास रहे कांग्रेस के, तो वो पूर्वांचल में कांग्रेस को मजबूत क्यों नहीं कर पाए? क्या आप लोग काम नहीं करने देते हो लीडर्स को, इसलिए जा रहा है? मसला क्या है सृष्टि कश्यप? और वो भी पिछड़े समाज का आदमी जा रहा है। आरपीएन जी 32 सालों से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, उनके पिताजी सीपीएन सिंह जी भी एक्टिव रहे हैं, और ऐसा कांग्रेस में कोई पद नहीं है जिसपे आरपीएन सिंह काबिज नहीं थे, चाहे वो यूथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सचिव होने की बात हो या एआईसीसी के सचिव हो। 1996, 2002 और 2007 में उन्होंने लगातार 3 बार चुनावी में अपनी जीत दर्ज की। उसके बाद वो पहली बार जब लोकसभा जीते, मुलायम सिंह जी की कैबिनेट में भी मंत्री रहे, उनके फादर इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, तो एक बहुत अच्छा पास रहा है उनका। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि 32 साल वो उत्तर प्रदेश में जब रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, हमने उन्हें मान दिया, सम्मान दिया और कल तक दिया, लेकिन उन्होंने आज पार्टी छोड़ी। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से बहुत प्रभावित है। तो आज आरपीएन सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दलित विरोधी मानसिकता है, जो किसान विरोधी मानसिकता है, जो नौजवान विरोधी मानसिकता है, उससे प्रभावित। एक मिनट, एक एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें 4 लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आरपीएन है, सचिन पायलट है, और जितेंद्र प्रसाद जी का बेटा क्या, जतिन प्रसाद, ठीक है। तो लोग लिख रहे 3 गए 1 बाकी, और ये 4 वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता था राहुल गांधी की टीम है, राहुल जी इनको भविष्य के कांग्रेस का चेहरा बना रहे हैं। बताइए, चेहरे भाग गए, वर्तमान खराब करके भविष्य छोड़ो, नहीं चेहरे हैं, बदलते रहते हैं। और जो 3 चेहरों की आप बात कर रहे हैं, जतिन प्रसाद जी की बात करें या फिर हम सिंधिया जी की बात करें, आज हम आरपीएन सिंह जी की बात करें, उनका पिछला जितना भी चुनाव रहे हैं, लास्ट इलेक्शंस ऑफ ऑल 3 ऑफ देम, वो 3 हारे हैं। तो आज भाजपा को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि भाजपा में लीडरशिप की कहां लैकिंग हो रही है, कि दूसरे पार्टियों के हारे हुए नेताओं को अपनी पार्टी में लाना मजबूरी हो चुकी है, और उन्हें टिकट देना भाजपा की मजबूरी हो चुकी है। ठीक, रेल मंत्री ने कहा कि पूरी बात सुनेंगे, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब छात्रों से बात की, नौजवानों से बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि भाई साहब 90 लाख गिन के ट्वीट कर चुके हम लोग, 90 लाख पूरे देश से, क्योंकि बड़ी भर्ती थी, करोड़ों लोग इससे जुड़े थे भर्ती में। और उन्होंने कहा कि
कई हजार प्रतिवेदन चिट्ठी भेज चुके, किस कहीं नहीं सुना गया, इसलिए ये स्थिति बनी। गोविंद मिश्रा क्या सच है? जी हाँ अमिताभ जी, ये आपने जैसा बोला कि बड़े भले इंसान है अश्विन जी, और एक भले इंसान पीयूष गोयल भी थे जो इसके पहले रेल मंत्री थे भाजपा सरकार पिछली सरकार के दौरान। पीयूष गोयल जी ने 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया था कि अगले 2 साल में हम 4 लाख भर्तियां रेलवे के थ्रू करेंगे, लेकिन अब इनका तो जुमला देने का आदत हो चुका है, कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात करेंगे, कभी 2 लाख नौकरियों की बात करेंगे, और 2 साल में 2 लाख नौकरियां भरने वाले, ये 4 लाख नौकरियां भरने वाले अभी 3 साल से ऊपर हो चुका नई सरकार में भी। इस भर्ती का अभी आलम यह है कि एक परीक्षा में अभी ये CBT 1 एक परीक्षा करवा पाए हैं और दूसरी का डेट जारी कर पाए। इनके पास छात्रों के ग्रीवांस हैंडल करने का कोई माध्यम नहीं है, छात्र ट्वीट करके परेशान है। इनके रिजल्ट ये जब भर्ती आई, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन के बाद छात्रों की डिमांड थी कि परीक्षा की डेट घोषित की जाए। 2 साल तक आंदोलन चला, तब जाके पिछले साल जनवरी में ये परीक्षा शुरू हो पाई, NTPC की CBT 1 की परीक्षा। ठीक है, आएंगे बाकी मेहमान। फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ा जी, एक अमिताभ जी, फिर आंदोलन करना पड़ा, इसके बाद रिजल्ट आया, बाकी लोगों को भी बहस में ले आऊं। अनीता जी, शुरुआत में मैंने एक बात कही जब विषय को रख रहा था, वही सवाल आपसे लेता हूं। 19 में लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट हो गया रेलवे की तरफ से कि खुल गई भर्ती, आ जाओ, बेटा हो बेटी हो सबकी नौकरी जारी कर दी घोषणा। ठीक, इन दोनों भर्तियों के कागज पत्र शुरू हो गए फरवरी 19 में, ठीक अप्रैल में उसमें वोट पड़ गया, उस भर्ती की गूंज से, घोषणा से अप्रैल में वोट हो गया, काम हो गया, उसके बाद लाठी खाओ। अब तो 24 में होगा ना चुनाव, तब तक लाठी खाओ, ये करेंगे क्या हम लोग? अनीता अग्रवाल जी, वोट से पहले भर्ती घोषित कर दो, वोट ले लो, वोट हो जाए उसके बाद बोले पुलिस और तुम जानो, पुलिस जाने, दे दबा दब लाठी। अनीता जी देखिए, हाँ देखिए अमिताभ जी, ऐसी बात नहीं है कि चुनाव से पहले हमें ना घोषणा की, मेरा तथ्य गलत नहीं होता अनीता अग्रवाल, कभी जीवन में गलत नहीं हुआ मेरा पक्ष, आपका पक्ष मैं गलत नहीं कह रही हूँ, ये मैंने कहा मेरी क्रोनोलॉजी को देखिए, फरवरी में आपने घोषणा की, सही है, अप्रैल में चुनाव करा लिया, बात खत्म। मैंने कहा आपका तथ्य और लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जब हम लोगों ने इसमें 2 साल हम लोग कोरोना काल में कैसे निकले हैं, आप इस उस कोरोना काल के अंदर ये सब चीज, एक मान्यता जी देखो, आप समझदार, मैं नेता है इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ, एक बात मुझे बताइए, इसी कोरोना काल में बंगाल में चुनाव करा लिया, इसी कोरोना काल में बिहार में चुनाव करा लिया, पंचायत का चुनाव करा लिया, नगर पालिका का करा लिया, क्या नहीं कराया कोरोना काल में, आप बताओ। लेकर आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर इस बात को जरा सा समझने की जरूरत है। अरे हम तो समझ ही रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है कि हम नौकरियां देना नहीं चाहते, नौकरियां भर्ती नहीं कर, हम नौकरियां भर्ती करना चाहते हैं, और हमें कई नौकरियां निकाली, कई नौकरियां भरी भी गई हैं, लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो आज आप ये दिखा रहे हैं, इसमें पुलिस वालों पे कार्रवाई भी हुई है, इसकी जांच भी हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, छात्रों के साथ वो सिपाही नहीं है। अनीता जी ठीक है, ठीक आएंगे, दोबारा आएंगे, मैं राजपाल भाई को और त्यागी को भी बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा आपके पास। मसला मेरे लिए ये इतने बड़े फलक पर मैं बहस करने जब निकला हूं तो केवल 6 सिपाही के लिए बहस करने नहीं निकला। अरे सिपाही क्या, इनको तो CO सस्पेंड कर देगा, कोई इशू नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपने, ठीक है अनीता जी आएंगे आपके पास, आपने, आप मतलब रेलवे ने करोड़ों परिवारों की आंख में एक सपना जगाया फरवरी 19 में और अप्रैल 19 में चुनाव हो गया, उसके बाद से ये ट्वीट कर रहे बच्चे, और ट्वीट के बाद जब 90 लाख ट्वीट करने के बाद सड़क पर आए तो लाठी पड़ी, अब अम्मा इनके मलहम लगाए,
और हल्दी का दूध पिलाए, नौकरी तो हो गई। ठीक, राजपाल कश्यप, मुझे एक बात नहीं समझ आती, मुझसे देश भर का नौजवान जुड़ा है, वो पूछता है चुंगी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, किसी चुनाव में कभी कोई बवाल नहीं, कभी कोई टाइम टेबल एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ, न लाठी चले, न गोली चले, न झंझट हो, क्या सारा बवाल नौजवान की नौकरी पर ही है। आप लोगों की नौकरी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है 403 का, 403 लोगों की नौकरी एक झटके में क्लियर हो जाएगी 10 मार्च को 12 बजते हैं, और 20 मार्च होते होते सरकार बन जाएगी। ठीक, वहां कभी कोई पेपर आउट नहीं होता, कभी पुलिस लॉज में जाके नेताओं को नहीं ढूंढती कि दे लट, लेकिन नौजवान की नौकरी में ही सारे बवाल है, सारे अपशकुन वहीं क्यों होते हैं? राजपाल जी, अमिताभ जी, एक खास तौर से बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है, इसे तो ये तो चाहती है कि 5 किलो अनाज से लोग खुश रहे, जिसकी कीमत मात्र 100 रुपए, उतना तो किसानों के खेत में चिड़िया और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उससे ज्यादा। और ये नौजवानों को जिस तरीके से पीट रहे हैं, आपकी उस पे दृश्य चल, आतंक की घटना में जैसे आतंकवादियों के जैसे व्यवहार किया जा रहा है नौजवानों को, नौकरी मांगने वालों उत्तर प्रदेश, ये तो अघोषित इमरजेंसी है यहाँ पे। और ये उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली ने तो वादा किया था तो 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक बरस देंगे, अब मुझे तो लगता 2 करोड़ नौकरियां नहीं, बेरोजगार प्रत्येक बरस पैदा कर रही है, बहुत से लोगों की तो नौकरियां छूट चुकी है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो 20 भर्तियां कैंसिल हो चुकी जिनका पर्चा, और अभी एक तो लेटेस्ट हुई थी जिसमें 200 लाख छात्र छात्राएं, इनका किराया जोड़ लीजिए, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, नौजवानों की बात कोई प्लेटफॉर्म से ना हो पाए ना, नहीं तो हम लोग अगर 50 रुपए भी फीस बढ़ जाती थी तो हम लोग आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे। आज वो संस्थाएं खत्म की जा रही, ऐसी तरीके से विपक्ष खत्म किया जा रहा, किसान बैठे रहे वर्षों, किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद में आज नौजवानों को कुचला जा रहा, तो इस देश में हो क्या रहा? अगर किसान नौजवान जिस देश से खत्म हो जाएगा उस देश में बचेगा क्या? अरे इन नौजवान जो खेत खलिहान से जिनके किसान के बच्चे, ये उद्योगपति और बड़े नेताओं के बच्चे नहीं बनना चाहते हैं, ये गांव गरीब किसान के लड़के चाहते हैं नौकरी, ये और दुर्भाग्य है देश में बिना परिवार वालों की सरकार आ गई, इनके बच्चे अगर और नीचे किसी नेता का कोई हैसियत नहीं है, ऊपर तो काम पे बैठे उनके तो परिवार ही नहीं है। राजपाल जी, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में लाऊं, दोबारा आऊंगा आपके पास, अनीता जी आएंगे पास आपके पास, आपके लिए एक सवाल उछालता हूं, तब तक उस पर चिंतन करिए। अभिमन्यु त्यागी से बात करने के बाद जब सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा तो वो प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा। लगभग 2.5 करोड़ लोग इसमें भरे फॉर्म, ठीक, फरवरी 2019 में 2.5 करोड़ लोग, वो सब वयस्क थे वोट देने लायक, वो और उनके माता पिता परिवार ही जन, क्या पूरे देश में कितना बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया था आपका? ये जो लाठी खाए हैं इलाहाबाद से लेके और नवादा तक बिहार में, ये सारी पीठे वो हैं जो 19 में आपको वोट देके आई, मसला तो ये भी है। खैर, अभिमन्यु त्यागी, मूल सवाल वही, एक सवाल मैं सारे राजनीतिक दलों से ले रहा हूं, आप लोग सबसे अंतिम प्रायोरिटी पर नौकरी की प्रक्रिया को निपटाने को रखते हैं, घोषणा तो टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, जब भी आपको लगता है कि थोड़ी लोकप्रियता कम हो रही है, बोले 1 लाख भर्ती करेंगे, बाइट दे दो ANI बुला के, बोले 2 लाख भर्ती करेंगे, वो नौजवान पागल हो जाता आपके पीछे, कहते नेताजी जिंदाबाद, आपका काम हो जाता, आप चुनाव जीत जाते हो, आप राज करते हो, बाद में पुलिस कह दे तो भाई आपकी नौकरी मांगने आए तो इससे निपट लेना, तो पुलिस फिर वही करती है कि लॉज में भी छुपो जाके तो लाठी से और बंदूक दिखाती है। त्यागी जी, क्या भेड़ बकरी समझते हैं आप लोग नौजवान को, क्या राजनीतिक लोग, क्या मसला क्या है? सबसे पहले धन्यवाद, आपने आज की डिबेट का ये टॉपिक रखा है रोजगार का, नौजवानों को जॉब की बहुत आवश्यकता है,
मैं चूंकि मेरठ से ही हूँ, मेरठ में बहुत तैयारियां होती है प्रतियोगिता की, मेरठ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, झांसी है, कानपुर है, तो तमाम शहरों में तैयारी करते हैं नौजवान गांव से आकर। जी जब वो तैयारी करते हैं, एक सपना होता है, फॉर्म भरते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो सड़क पर उतरते हैं, धरना देते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस पीटती है, एक भविष्य चौपट होता है। आर्मी की भर्तियां भी नहीं हुई है 3-4 साल से। एक सपना होता है माता पिता का कि रोजगार मिले, बच्चे को रोजगार मिले, लेकिन क्या हो रहा है, ये धर्म की अफीम इस तरह से चटा दी गई है कि रोजगार की बात नहीं होती। मीडिया का एक वर्ग है वो दूसरी तरफ को ले जाता है हमेशा मामले को। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं कि आप इस मुद्दे को लेकर आए। ठीक है त्यागी जी, ठीक है। नहीं, वो धर्म का मसला अलग है, वो अफीम है, गांजा है, वो अलग विषय, वो उसमें मैं अभी नहीं आज जाने जाते, बहस डिटेल हो जाएगी। गोविंद मिश्रा अमिताभ जी, एक सवाल तो सुन लो भैया, एक सेकंड रुक जाओ दादा, आप तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन पे सवार हो, एक सेकंड रुक जाओ, सवाल सुन लो, इतनी भी तेज मत भागो। क्या है जिसे होता है ना कि भाई कुछ SOS फार्मूला आदमी रखता है कि जब भी संकट में फंसूंगा तो ये चाल चल दूंगा, क्या राजनीतिक दल भर्ती को इसी तरह इस्तेमाल करने लगे? जब विश्वसनीयता संकट में हो तो भर्ती अनाउंस कर दो, जब आंतरिक संघर्ष हो पार्टी में, कहीं कोई लफड़ा झपड़ा चल रहा हो तो भर्ती अनाउंस कर दो, चुनाव आ रहा हो तो भर्ती अनाउंस कर दो, देनी दमानी है नहीं ये छोड़ो, अनाउंसमेंट में ही पूरा ब्याज सहित वापसी आ जाती है, जितना जो कुछ मिलना जुलना है। रेलवे ने हमको यही से बताया, फरवरी 19 में भर्ती अनाउंस हुई, 2.5 करोड़ लोगों ने भरा, एनरोलमेंट कराया, 2.5 करोड़ में गुणे 5 परिवार के लोग जोड़ लीजिए, इतना वोटर तो खड़ा हो गया, इतने में तो सरकार बन जाए किसी की। गोविंद मिश्रा भर्तियों को केवल इसी तरह से देखा जाता है कि जब कोई परीक्षा आया, जब कोई चुनाव आ गया तब कोई भर्ती ला दो। अभी ये NTPC की बात हो रही, रेलवे की परीक्षाओं की बात हो रही है, इसी तरह की एक परीक्षा यूपी में भी हो रही है, PET का एग्जाम करवाया गया जिसमें बताया गया कि बड़े पैमाने पे भर्ती होगी और वो भी केवल चुनाव के पहले। पिछले जब 4 साल तक योगी सरकार की गवर्नमेंट थी, 4-5 साल तब तक भर्ती की क्यों नहीं याद आई? अब चुनाव आया तो उनको लगता है कि यही युवा है जो हमारा झंडा लेके घूमने वाले हैं, इन्हीं को टारगेट करो, यही अपने घर में जाके बोलेंगे कि इनको वोट दो, उसी वजह से चुनाव के समय भर्ती आ जाती है। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा आपके माध्यम से सीधा सा एक सवाल है, जब ये पूरे देश भर में इतने बड़े बड़े चुनाव करवाने के लिए चुनाव आचार संहिता हो सकता है, तो इन भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए परीक्षा आचार संहिता क्यों नहीं हो सकता? भाई मुझे एक चीज समझ आ रही है रविंद्र। जी सर। कल भाजपा ने ये जो बात कही ना कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, अभी भी खुले हैं और कल भी खुले रहेंगे, चुनाव के बाद भी, और 24 भी दूर नहीं है, तीनों प्रस्ताव एक साथ भाजपा ने उछाले, इनका क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इनसे कम से कम ग्राउंड जीरो पर डाउन द लाइन एक भ्रम तो फैलता है। भाजपा ये नैरेटिव तो गांव-गांव में सेट करने की कोशिश कर सकती है कि अरे बात हो गई, चुनाव बाद जयंत चले जाएंगे, तो इससे तो फिर मामला गठबंधन का गड़बड़ा जाएगा। रविंद्र पटेल, भाजपा तो सर देखिए शुरू से झूठ को परोसती आई है, उसकी नींव ही झूठ के, उसका जो आधार है वो झूठ पे है सबसे पहले। अब इसके पीछे का जो परसेप्शन हम जैसे कार्यकर्ता और जो जनता समझती है वो ये समझती है कि इन्हें अगर यही सब करना था तो इसका बहुत माकूल जवाब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत जी ने दिया कि अगर आपको ये करना था तो पहले 700 किसानों के घरों को न्योता भेजते, आप जिनका आपने घर तोड़ा है आप उन्हें न्योता देते, मुझे न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जिस तरीके से आपने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ हक मांगने पर जिस तरीके से आपने उनको दमन
विनाशकारी तरीके से कुचलने का प्रयास किया है। अब बहुत देर हो चुकी है सर, एक लाइन में अगर कहा जाए बहुत देर हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इनका ये छल झूठ और फरेब अच्छा, जो कल की जो कल की जो मैमथ एक्सरसाइज थी अमित शाह की, उसका क्या असर देख रहे हैं? बीजेपी ने कहा कि हमारी और जाटों के बीच में अच्छी बात हो गई, जो नाराजगी थी दूर हो गई, रिश्ता ठीक हो गया। सर आप तो तजुर्बेकार अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपको हमेशा आदर करता आया हूं और मैं देखता आया हूं। आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों का अपना विशेष महत्व है। आज भी खाप पंचायतें वहां पे प्रभावी भूमिका में है, और खाप पंचायत का कोई चाहे बानियाल खाप हो, तेवतिया खाप है, कोई कोई खाप वहां पे गढ़वाल खाप हो, कोई खाप पंचायत का मुखिया वहां पे नहीं था। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब दिल्ली से नहीं होती। परेश वर्मा जी अगर उनको कुछ करना था तो वो पहले बात कर लेते, जयंत चौधरी जी की और उनकी जाति एक है, पहले वो बात कर लेते, अब बहुत देर हो चुकी है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ भोजपुरी में, चूंकि मैं पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले से आता हूँ, एक कहावत है कि जब भैरव सामने आते हैं ना तो पसीने लोग छोड़ देते हैं। आज जयंत चौधरी राजनीति के वो भैरव हो गए हैं कि जिन्हें जिन्हें हर कोई अपने पक्ष में करना चाह रहा है। और जयंत मामला भैरव तक पहुंच गया। रविंद्र भाई पता नहीं कहाँ कहाँ आप पहुंचा रहे हैं इस मामले। तो हम तो हमने तो सिंपल सी बात कही थी, साधारण सी बात कही थी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें तोड़ दे, हमारे दर पर, हम तो इनसे यही कह रहे थे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा तुम्हारे। अच्छा कुंडी उंडी भी हटवा दिए क्या? कुंडी उंडी हटवाई थी परमानेंट? ये डर का, ये डर का भैया, कपिल श्रीवास्तव पकड़ के रखो, जयंत चौधरी को ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये कह रहे कुंडी उंडी सब हटवा दी क्या? अब गाना अलग गा रहे, बताइए आलोक जी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, बताइए। मुलायम सिंह जी के परिवार के सदस्य जो है वो वहां आने लगा, हमने कहा आ जाइए, कांग्रेस के हमारे साथी थे, उनके गाने का एक मकबूल गाना है, बता दो प्यार वो बातें हैं, बातों का क्या, और देते हैं देवता को धोखा तो इंसानों को ये क्या छोड़ेंगे। लो भाई वर्मा जी भी जानते हैं और सारे लोग जान रहे हैं, गाने का जवाब गाने में भूखे देती है, वो कह रहे कसमें वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या। अरे कपीस भाई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के जो उनके मुखिया के परिवार के लोग वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बेकरारी हुई अपने घर में तो जाना कहाँ है। अपने परिवार से देखिए ना, अखिलेश यादव जी के छोटे भाई की बहू भी हमारे साथ शामिल हो गई, और कांग्रेस के जो साथी हैं उनकी जो पोस्टर गर्ल थी जिसको प्रियंका गांधी जी ने हाईलाइट किया था वो भी हमारे साथ चली आई है। तो हम तो रविंद्र पटेल जी को भी कह रहे हैं अगर बेकरारी होगी वहाँ पर कभी तो चले आइएगा भारतीय जनता पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की सोचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत इतने बेकरार क्यों है? अरे आलोक भाई, हम तो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं साहब, समाजवादी परिवार में तब्दील हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वहीं से समाजवाद का झंडा भी लहराएगा, चिंता न करें। अरे आलोक जी आपने ऐसा विकास किया अपर्णा समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विरासत का मुख्य केंद्र कभी नहीं रही, वो विरासत जो मुलायम सिंह जी की जो पॉलिटिकल विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, उसके तो एकमात्र अधिकारी जो रहे वो अखिलेश यादव ही रहे। इस पर कहां जमीन में कोई डिस्प्यूट मैंने कभी नहीं सुना, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक हम लोग भी वही रहे थे, सब जो भी उनका जो जनाधार है उसमें अखिलेश यादव भी एकमात्र बारिश रहे राजनीतिक तौर पर। तो इसलिए आलोक भाई वो मामला थोड़ा मतलब ठीक है, फोटो अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, लेकिन उससे बहुत कुछ फर्क नहीं बनता बिगड़ता। मान लो आप प्रतीक को ज्वाइन करा लो, अपर्णा को ज्वाइन करा लो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी पार्टियों में असंतुष्ट हैं, जिनको ठीक नहीं लग रहा है अपनी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा हो चाहे समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा हो,
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में ले रही है, मतलब बात कर रहा है। आपने तो भैया ऐसा कर दिया करके सदस्यता रसीद लेके स्टूल रख के बाहर ही बैठा दिया क्या आदमी? बोले आते जाओ रसीद कटाओ रसीद कटाओ। कांग्रेस वाले अलग की आप जहाँ जहाँ से मिलता भाष पकड़ लाते हो आदमी, मॉर्निंग वॉक पे भी जाए तो फिर कांग्रेसियों को ढूंढना पड़ता है भैया वॉक पे गए थे कहाँ गए पता लगा कि भाजपा कार्यालय मिले। बताइए राहुल जी आज गए पंजाब में 5 MP नदारद, अब वो फिर सब लोग कह रहे कि भाजपा कार्यालय जाके देखो वही मिलेंगे। किशोर उपाध्याय गए तब भी भाजपा ही मिले जाके नहीं। फरुखाबाद के इलाके में एक बड़ा शब्द पहले उस दौर में था जब मैं वहां था एक छात्र के रूप में, पकड़। तब डकैतों का मामला रहता था, कहते जी पकड़ हो गई। राजनीति में भी पकड़ है क्या रविंद्र पटेल? राजनीति में भी पकड़ होती है क्या? राजनीति तो सर स्वयं से स्वयं की अवेयरनेस की विषय वस्तु है, आप कितने जागरूक हैं और कितने इसको पसंद करते हैं। फर्क पड़ रहा है ये भारत सर, एक चीज तो सर मानना अभी ना ना भारत सर ये इतना तो मानना पड़ेगा ना। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से परिवर्तन के मूड में है आज ये उसी का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि उनका गृह मंत्री घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार कर रहा है। बुराई नहीं, मैंने देखो पहले भी कहा था प्रदीप सिंह ने सवाल ये किसी ने उठाया नहीं, घर घर सबको जाना चाहिए, जयंत को भी जाना चाहिए, जयंत जा रहे सबको जाना चाहिए, घर घर जाना तो अच्छी बात है। बाबू साहब बन के सिंहासन पर बैठेंगे क्या? जाना चाहिए राहुल प्रियंका को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए सर, घर घर जाए स्वागत है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के टाइम पे। हाँ तो चुनाव के टाइम में भी नहीं जाओगे तो बाकी कब जाओगे? बाकी तो जाते नहीं मिलते नहीं भैया। 13 महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शीर्ष पदाधिकारी ने, जो देश में 5 शीर्ष पदाधिकारी माने उनमें से एक ने एक बार मुझसे कहा भी हाल में, बड़ी अच्छी बात है, उसका अगर संघ और उस समय ऐसा मसला नहीं है, बात बड़ी प्रैक्टिकल है, सारी पार्टियों को उस पर सोचना चाहिए। कपीश जी उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी कार्यकर्ताओं को कोई पार्टी सरकार में आने के बाद क्या देती है समर्थकों को? क्या लाभ लेने वाले 100, 200, 500 लोग होते कुल? क्या घोड़ा गाड़ी ठेका कोटा परमिट माल जो भी मिठाई खटाई लूट खसोट जो भी है 1,500, 2,500 कितने? और बोले जिताते कितने लोग हैं? प्रदेश है तो 2-3 करोड़ लोग लगते हैं, देश है तो 1,500-1,700 करोड़ आदमी लगते हैं। बोले 4 लड्डू भी तो नहीं भेजता कोई किसी को क्या? तो प्यार से बात तो कर ले, चुनाव के वक्त तो मिल लो, उसके बाद तो फिर सिक्योरिटी और गेट पर झोला लिए ननकू बोले पीछे अपॉइंटमेंट है बोले नहीं बोले दूर रहो। कपीश जी यही है ना दृश्य भारत में? इसलिए लोग कहते हैं कि चुनाव में तो निकलो भैया, ब्याह के टाइम तो पांव छू लो, ब्याह के बाद तो सिर ही पूजोगे, फिर कहां पांव छूओगे? कहा जाता है ना हमारे यहां झील वाले इलाकों में कुछ सर्दी में या गर्मी में कुछ मौसम विशेष में कुछ विदेशी पक्षी आ जाते हैं, वो उसी मौसम में आते हैं चले जाते हैं। त्रिपाठी जी मैं मसला समझ गया, आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए लेकिन मैं समझ गया, क्योंकि मुझे राजनीति का मूल चरित्र अच्छे से पता है, मैं दलों के साइन बोर्ड में नहीं भटकता कभी नो कि इस पर क्या अपना दल लिखा है पराया दल लिखा है, मैं DNA जानता हूं राजनीति का। 19 के चुनाव से 3 महीने पहले 1,40,000 पदों की घोषणा हो गई, ठीक। 24 के चुनाव से कुछ पहले वो भर्ती हो जाएंगी। 19 में भी राजनीति को प्रसाद मिलेगा, 24 में भी मिलेगा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, पंजीरी लो घर जाओ के मित्र पार्टी। बहस हो रही है निश्चित तौर पर युवाओं की भर्ती के मामले को आप उठाते रहते हैं,
अभी भाजपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और इस पे तो आप पहले ही बात कर चुके हैं कि जनवरी 19 में घोषणा होती है और आज जनवरी 22 तक अभी इस पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। अभी हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने कहा युवा उनके साथ है इसीलिए उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। दूसरा कहा कि हमारी दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, केंद्र की सरकार भर्ती निकाल देती है करती नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर जो विद्यार्थी मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। विनीत जी सुन लीजिए, मैं आपको बड़ी शांति से सुन रहा था। मैं यही कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी कि राजनीति के डीएनए को आप अच्छी तरह से समझते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा छलावा होता रहा है और छलावा हो रहा है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हल्ला बोल जो बैठे हुए हैं गोविंद जी, उन्होंने कहा कि राजस्थान की भी समस्या है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि राजस्थान की समस्या और अभी जो बिहार और इलाहाबाद में हो रहा है उन दोनों समस्याओं में बुनियादी रूप से अंतर है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में ऐसे दोष हैं जो भर्ती नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूं कि अभी हमने जो 21 जनवरी को अपना भर्ती विधान जारी किया है और अभी आपने शुरुआत में कहा तो मैं भर्ती विधान लेके बैठा हुआ हूं, इसके पेज नंबर 9 पे हमने लिखा है कि एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा और 6 महीने में भर्ती होगी, 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होगा और उसके सारे डेट और मानदंड होंगे और यदि पालन नहीं होगा तो तत्काल गंभीर कार्यवाही अधिकारियों पे होगी और एक विशेष भर्ती आयोग का गठन होगा। भाई ये पूछा जाएगा आपसे, ये जो आप लाए पंजाब में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में लागू करो ना पहले, ये पूछ ये मसला आपका कोई अस्तित्व नहीं है, एक आम सीट भी नहीं आने वाली है वहां पर, आप इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके आप क्या बताना चाहते हैं? आप राजस्थान में क्यों नहीं इसको अभी लागू कर रहे हैं? राजस्थान में करके दिखाइए, के लिए पंजाब में करके दिखाते होने का एक तरीका होता है, बात ऐसी चीजें लागू नहीं हो जाती है। राजस्थान में भी लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है, किसी भी एक भर्ती को लेकर वहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई है, किसी एक भर्ती को लेकर विद्यार्थी जांच की जाती है। आप विपक्ष में है राजस्थान में, आप जाइए बात करिए, आप बताइए कि कहाँ पर ऐसी दिक्कत है। राजस्थान सरकार लगातार समस्याओं को सुन रही है और हमारे नेतृत्व भी उस पर ध्यान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए जो घोषणा लेकर आए हैं आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज मिला है। अभी आपने 5 लाख भर्ती की बात की, उत्तर प्रदेश सरकार अपने आंकड़े 4.5 लाख भर्ती की कर रही है, आपको ये क्यों नहीं पता है कि भर्तियां कुल कितनी सरकारी आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में। एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, बस आपस में मत करिए। गोविंद जी, मेरा इम्प्रेशन कुछ ऐसा बनता है ये तमाम सरकारों को देखने के बाद, पूर्व की और वर्तमान में अलग अलग राज्यों की सरकार और केंद्र सबको देखने के बाद, भर्तियां गाजर की तरह इस्तेमाल होती हैं क्या, और कोशिश ये होती है कि एक गाजर कई राउंड काम आ जाए, क्या एक गाजर कई राउंड काम आ जाए, कई अवसरों पर रिजल्ट दे जाए। मैं सारे राज्यों में देख रहा हूं, केंद्र में और सब जगह लगभग 19-20 का अंतर है। मूल चरित्र यही है सबका कि गाजर एक है, उसको लटकाओ, एक एपिसोड पार हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर अंत में जब मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि आप गाजर लटकाने के बाद हिंसा शुरू हो जाएगी तो गाजर छोड़ दो, फिर चल भाई जिसके भाग्य में उसको ले जाओ। गोविंद जी, ऐसा है क्या, आप लोगों को ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और ये जिस भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही, परीक्षा की बात हो रही है रेलवे वाली, ये 2019 के चुनाव में तो इनको फायदा दिया ही, और अब जो ग्रुप डी के उसमें छात्र हैं उसमें जो परीक्षा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो मतलब CBT 1 के बाद CBT 2 लेने की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं दूसरे फायदे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं इतना नहीं जानता CBT PCP, इतना मैं जानता नहीं, मैं तो मूल बात जानता हूँ, एक गाजर एक बार में खिला दे, ऐसे मूर्ख नहीं राजनेता ना, बड़े गुणी लोग हैं। एक गाजर वो 6 दफे बेच लेंगे और फिर भी गाजर उनकी जेब में, बताओ जी। ये 2019 और 2024 दोनों तक की प्रक्रिया पहुंचाने की कोशिश है,
ये रेलवे के एक एग्जाम। और मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता दूं अमिताभ जी, ये जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अंतर होता है विद्यार्थियों के साथ, राजस्थान में तो हमें जवाब मिल जाता है सरकार से, लेकिन उत्तर प्रदेश में जवाब के लिए केवल लाठियां मिलती। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जो भी आंदोलन किया है केवल लाठियां मिली है। आज इलाहाबाद में देख लीजिए आप, भाई रिस्पॉन्ड करिए प्लीज शुक्ला जी। छोटा राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छात्रों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप जो भी आपको नहीं दिखाई पड़ता। पंजाब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रोजगार के लिए बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, आपको नहीं दिखाई पड़ता। दो दिन पहले की बात है विनीत शुक्ला जी, दो दिन पहले की बात है, इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा से छात्रों को कमरों में घुस के मारा गया। खिलवाड़ करने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। अगर कोई उपद्रव करेगा, अग्नि करेगा, ट्रेन को बनाने का काम करेगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो निश्चित कार्रवाई होगी। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को ना ही हमारी सरकार में और ना ही प्रशासन नौकरियों के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है। आप ये जानते हैं गोविंद जी, गोविंद जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है और पांच साल के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा है, सरकारी नौकरियां दी गई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि घूस दे करके या पैसे दे करके किसी को नौकरी दी गई है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बंदरबांट हो रहा है, आप उस पर सवाल नहीं खड़े करते। वहां पर लोगों पर लाठियां, युवाओं पर रोजगार के लिए लाठियां मिल रही है, किसानों पर लाठियां मिल रही है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के लोग नहीं बोलते। इलाहाबाद छोड़ के जा रहे हैं, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। आपकी पार्टी ने नहीं बोला जवाब देने को। छात्र पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में कोई एक नौकरी आप दिला दीजिए। ना ही छात्र पलायन करने को मजबूर है, ना ही कोई परिवार पलायन करने को मजबूर है। गोविंद जी, आप राजनीति, राजनीति से प्रेरित होकर के आप इस तरीके से बयान न दीजिए। उत्तर प्रदेश से किसी भी छात्र को आपको दिखा सकते हैं, नहीं है तथ्य दिखा सकते हैं, पर गिराने का काम न कीजिए। अरे भाई रुको, मसला तो कैराना का था, पलायन का ये नया इलाहाबाद भी आ गया क्या? के अंदर आया है, हम तो कैराना सुनते थे। क्या मसला लगना हो उमरडा के अंदर या तमाम के कारखाने संचालन हो, सभी में रोजगार के लोग जोड़े गए। वहाँ रूम थोड़े सस्ते हैं, उन सस्ते रूमों में 10x10 के कमरों में छात्र रह के पढ़ाई करते हैं। जब से ये दो दिन पहले पुलिस की लाठियां चल रही हैं, छात्र रूम छोड़ के भाग रहे हैं। आपके रिपोर्टर्स होंगे इलाहाबाद में, आप पता करवाइए, हमारे पास तो तथ्य है, सबूत है। अच्छा ठीक है, ठीक है गोविंद जी, रुके रुके, एक बार रुके, ठीक है। विजय बंधु जी, मसला यही कि चीफ सेक्रेटरी अगर ये कहते हैं कि भाई ये एनपीएस अच्छी है, तो इसमें ज्यादा वजन आ जाता अगर चीफ सेक्रेटरी ये कहते हैं कि मैंने स्वेच्छा से ओपीएस छोड़ के एनपीएस मैंने भी ले ली, इसलिए मैं कह सकता हूं ये अच्छी है, तो मजा नहीं आ जाता बंधु जी? जी जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि जो लोग पेंशन के अंतर्गत है, ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त है या नहीं है तो पेंशन के अंतर्गत हैं, वो लोग इस पर बयानबाजी उल्टी सीधी दे रहे हैं। तिवारी जी को पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन वो उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों के बीच में जाना है उनको, इसलिए उत्तर अच्छा। नहीं दे रहे, आवाज सब सुनाई पड़ रही है, क्योंकि कर्मचारी पूछ रहा है कि आप तो पेंशन ले रहे हो, फिर आप नहीं समर्थन कैसे कर रहे हो? वो चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो और चाहे तिवारी जी हो, राज्य कर्मचारी परिषद कोई इनकी राज्य मंत्री परिषद दोनों है, दसों है, और एक इकलौता व्यक्ति है जो कह रहा है कि हाँ नहीं सही है। तो मैं निवेदन मैं कहना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग कहें पहले वो ले, नई पेंशन ले ले, और पीएफ आरडीए के बिल में व्यवस्था है कि पुराना आदमी भी नहीं ले सकता है। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में है, मैं बिल्कुल पक्ष में है। दूसरी बात, मैं जो पीएफ आरडीए का बिल, ये पीएफ आरडीए का बिल है,
इसको वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो पहले लाइन लिखा है एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये मेरी साइड नहीं है, ये उन्होंने लिख रखा है। दूसरी बात, अभी जो चल रही है चर्चा कि नई और पुरानी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस पर जितने लोगों ने आपने एक अच्छा ट्वीट किया था आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ा समाधान निकाला आपने। आपने कहा कि भाई एनपीएस कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए जो ले रहा है, और वो तय कर लेगा, आप छोड़ दो, नहीं लेगा पुरानी लेगा तय हो जाएगा, आप क्यों माथापच्ची कर रहे हो, और आप पुरानी लोगे हमको नहीं बता रहे हो अच्छी है अच्छी है, आप खाते जाओ और हमसे कह दो नहीं ये वाली अच्छी है ये वाली अच्छी है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आपके विचार से मैं सहमत हूँ, सरकार को अगर बहुत ज्यादा इनको टेंशन हो रही है तो यही करें कि आप विकल्प दे दीजिए, जिसकी मर्जी हो वो ले लेगा, समझ में आ जाएगा नई अच्छी है कि पुरानी अच्छी है। ठीक बात, मैं राजनीतिक लोगों को भी बहस मिल जाऊं, फिर दोबारा मैं आऊंगा। भाई राघवेंद्र जी, रसगुल्ला खुद खाओ और चाशनी सामने वाले को दो, उन्होंने चाशनी पियो, उससे सेहत बनेगी और कोरोना भी नहीं आएगा। चाशनी अच्छी, चाशनी पियो और रसगुल्ला खुद खाओ। जब इसमें प्रावधान है तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी को तो इतना करा देते मिश्रा जी को कि भाई आप तो एनपीएस ले लो, उनको एनपीएस ऑफिस से फर्क भी क्या पड़ रहा, उतने बड़े हाकिम है, उनको तो एनपीएस करा देते तो उनकी बात में वजन आ जाता। नहीं, बात में वजन भी तो होना चाहिए। गुड़ खाओ गुलगुला, परहेज कैसे चलेगा, उनकी बात में वजन नहीं आया। एक और दूसरा एक सवाल मेरे जहन में, ये मुझसे लोग पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें शासन कह रहा है कि भाई एनपीएस अच्छी है, मैं नहीं कह रहा अच्छी है खराब है, शासन कह रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए जीत कर आए इस बार 10 मार्च को आ जाएंगे, वो सब लोग इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं क्या कि ये जो सर्वश्रेष्ठ पेंशन और निवेश की स्कीम है एनपीएस, हम लोग इसको लेंगे, हम पुरानी पेंशन के तहत आच्छादित नहीं रहेंगे, वो छोड़ सकते हैं वो स्कीम जो उनको एक दिन भी विधानसभा में आने के बाद पेंशन का यावत जीवन अधिकारी बना देती है, इलाज मुफ्त, ट्रेन में सफर मुफ्त, जहाज में एक सीमा तक मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, दवा मुफ्त, क्या वो लोग छोड़ सकते हैं ये सब सुविधाएं? राघवन जी जी, नए एमएलए जो चुनते हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये है, अगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव कोई बात कह रहा है तो हमको उसे जिम्मेदारी से सुनना चाहिए। जो सुन लिया तभी तो चर्चा कर रहे हैं, बिना सुने चर्चा कैसे करते भैया, सुन के। और दूसरी बात ये है, अचानक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, घोषित हो चुके हैं विधानसभा चुनाव, 2005 में ये पेंशन लागू हुई थी, आज तक ये क्या सो रहे थे क्या? मुलायम सिंह यादव के समय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब एनपीएस को स्वीकार किया था, ओपीएस को इग्नोर किया था, उसके बाद दोबारा मायावती जी ने भी उसे स्वीकार किया, उसके बाद माननीय अखिलेश जी ने भी स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि लगातार समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसके पक्ष में रही है। जो आपका झंडा बुलंद कर दे मजबूत, मेरी उत्तर सुन लो, कहां पर कमजोरी है मैं बता देता हूं। अंग्रेज ये कहते 1857 में कि आज हम आए हैं जो आज तुम विरोध कर रहे हो, जब आए थे तब कहां थे, ये तर्क नहीं। या 1947 में फिर वो बोलते माउंटबेटन कि आप विरोध कर रहे हो, उससे पहले के सो रहे थे, ये तर्क नहीं। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, हम सब तथ्य जानते हैं मित्र। एक चिट्ठी नॉर्थ एवेन्यू में योगी जी जब एज एमपी यहां थे तो हम लोगों ने लिखवाई थी मनमोहन सिंह के नाम, योगी जी से इन लोगों को दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था पुरानी पेंशन ही ठीक है और वही देनी चाहिए, हर कीमत पर वो लागू की जाए, होगी इनके बंदूक पास। तो मसला केवल मायावती का ही नहीं ना मित्र, योगी जी भी लिखे थे भाई, और उन्होंने कहा था पूरे तौर से कर्मचारियों के साथ खड़े। राघवेंद्र जी, अब देखिए अमिताभ जी, मेरी बात अगर आप पूरा हो जाने देते तो हमें लग रहा है कि कंटेंट आ जाता। जी जी, कहिए कहिए भैया। देखिए विषय ये है
कि आज की तारीख में अखिलेश यादव इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है? कभी बिजली फ्री करने की बात करते हैं, कभी पुरानी पेंशन लागू करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से वो समझ गए हैं उत्तर, अमिताभ जी एक प्लीज, ठीक ठीक भैया, आपसे निवेदन कर रहा भैया भैया, निश्चित रूप से उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो गेंद है वो हमारे पाले से निकल चुकी है, अब उत्तर प्रदेश से हम आने वाले नहीं है। मैं जा रहा हूँ 2012 के इनके घोषणा पत्र पे, इन्होंने तीन बातें बहुत ही मेरे लिए अखिलेश यादव या भाजपा उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं, राजमंद एक मिनट, मेरे लिए भाजपा सपा बसपा उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं, ये लोग पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, देश तब भी रहेगा जब पार्टियां नहीं रहेंगी, इसलिए ये टेम्परेरी फेज है। रास्ता महत्वपूर्ण होता है, उसमें चलने वाला ऑटो महत्वपूर्ण थोड़ी ना मित्र, ना बस महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। पार्टियां जाने कितनी आई और गई, पार्टी का क्या मतलब, ना पार्टी का मसला नहीं है। अमिताभ बात होने देंगे मेरी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनके जो है जिस प्रकार से ये राजनीतिक कलाबाजी करते हैं, मैं 2012 के घोषणा पत्र में जाना चाहता हूँ। इन्होंने तीन विषय जो है जनता के समक्ष रखे थे, पहला बेरोजगारी भत्ता, दूसरा किसानों को 65 वर्ष में पेंशन देना, और तीसरा उत्तर प्रदेश के रिक्शा चालकों को बैटरी या सोलर पावर के रिक्शा देना। ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जनता ने इनको वोट दिया था। हजारों लोग जुड़ते हैं मेरे मुझे देखने के लिए यहाँ पर, है ना, तो उनके साथ अन्याय हो जाता है, बाद में वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आप कहाँ चले गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो वादा झूठ करेगा उसको जनता रपट जाएगी, लपड़ जाएगी, क्या भाजपा क्या सपा क्या कांग्रेस क्या पीस पार्टी सब, उसमें क्या मुझे, जो झूठ बोलेगा जनता उसको दौड़ाएगी। और अब जनता भी बदल रही, मैं आ रहा हूं फखरुल हसन के पास, और अब जनता भी बदल रही है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कोरोना चला भी जाए तब भी प्रचार डिजिटल रखना उसी में अच्छा है इस वक्त, दो गज की दूरी बहुत जरूरी, कोरोना चला जाए तब भी, इस लड़ाई को इतना छोटा मत बताइए, उनके चरित्र पर उंगली मत उठाइए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा आप कहां उन लोगों की पैरवी करते हो, वो सब लोग बड़े भ्रष्ट होते हैं। मैंने कहा दादा रे दादा, ये बात तो नेताओं के लिए लोग कहते, तो क्या करें, नेताओं को नमस्ते तो नहीं बंद कर देंगे जब इन्हीं से मंत्री मुख्यमंत्री सब होने, भैया कहते हैं ना, कहते हैं ना, तो केवल कर्मचारी को दोष देंगे, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर गलत होती तो ये प्रदेश चलता कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, अगर वो गलत होते तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित कैसे? इसलिए गाल बजाने से पहले सोच लीजिए। मैं तिवारी जी से भी कहूंगा, बंधु जी से भी, और राजनीतिक मित्रों से भी, आपकी ये बहस हो सकता कोई 20 साल की विधवा देख रही हो जिसका सुहाग शहीद हो गया हो द्रास में, बटालिक में, कारगिल में, अनंतनाग में, क्या मुंह दिखाओगे उसको, क्या मुंह दिखाओगे? आपके घर में बैठी होती 20 साल की विधवा तो आपको समझ आता, बूढ़ी मां देख रही होगी तो क्या सोचेगी? इसलिए मैंने आज कहा इस विषय पर चर्चा कर लो, आप अपनी छोटी राजनीति करिए, आपको मुबारक, लेकिन देश को बड़े मसलों पर एक राय होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। धन्यवाद।